टमाटर भून लिया है और हम लोग बनाते हैं आलू के पराठे। और आलू मैंने उबाल के कद्दूकस करके रख दिए, और प्याज एक छोटा, और ये हरी मिर्च और धनिया, ये सब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। और सूखे मसाले डाल दूँगी, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, नमक। नमक हम लोग सेंधा ही इस्तेमाल करते हैं डेली खाने में भी वैसे भी। और ये धनिया जीरा सौंफ पीस के रख लेती हूँ मैं, ये वाला थोड़ा कम है डाल देती हूँ। और हल्दी, हल्दी कहते कच्ची कच्ची कैसे रह जाएगी, जो पराठों के साथ सीख जाते हैं बिल्कुल, तो कच्ची का तो कोई सवाल ही नहीं उठा, ऐसे कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो हरी मिर्च है, दो हरी मिर्च है, और ये धनिया मैंने कट कर दी सब्जी को, सबको मिक्स कर देते हैं। ये देखो सब हो गया, अब देते हैं चम्मच, और चम्मच से कर देते हैं इसको मिक्स। और आटा मैंने बना लिया, और आटे के लिए भी नमक रख देती हूँ, अभी साथ के साथ ही दोनों काम हो जाएंगे। ज़्यादा नमक भी डालूँगी, कभी ज़्यादा हो जाए फिर मेरा बेटा ज़्यादा नमक नहीं खाता। इसको बंद करके साथ के साथ ही कर देते हैं। ये देखो मेरा मिश्रण कैसा लगा आप लोगों को बताना। अच्छे से मैं मिला लेती हूँ, मैंने कहा पराठे सब्जी खाते खाते दोनों टाइम भी बोर हो जाते हैं, मैंने कहा पराठे बना लेते हैं। कितने दिन बाद, महीनों बाद पराठे बन रहे होंगे हमारे घर में, क्योंकि हम तली भुनी चीज़ें कम खाते हैं इसलिए हम नहीं बनाते, हम झूठ क्यों बोले, जो नहीं है तो नहीं है, झूठ कहने से कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है चलो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। इसमें थोड़ा हींग भी मिला लेते हैं, क्योंकि गैस वैस बन जाती है ना पराठे खा के, इसलिए मैंने हींग भी मिला लिया, हींग फायदा का होता है। गरम मसाला भी बिल्कुल डालूंगी, के हो गया तैयार। अब बना लेते हैं पराठे, और आटे में ना थोड़ी अजवाइन भी डाल देते हैं, फिर नुकसान नहीं करते। आप लोग कहोगे कि हर टाइम दवाई मतलब दवाई सॉरी हर टाइम ऐसी बातें करती रहती हूँ, नुकसान नहीं देते ऐसे करते हैं, लेकिन मैं ना इतना ध्यान रखती हूँ ना अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा, नहीं तो पता ना क्या हो जाएगा। खाने को तो कुछ भी खा लो सबका मन करता है, लेकिन नहीं अपना भी ध्यान रखना पड़ता है ना सेहत का भी, कि डॉक्टर के जाएंगे भाभी क्या फ़ायदा है। ठीक है चलो मैं आटा सही कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलो स्टार्ट कर देते हैं पराठे बनाने। ठीक है पहले बहुत छोटा सा बनाओगे भगवान जी के लिए, जिसने हमको सब कुछ दिया है सबसे पहले उनके लिए बनना चाहिए। इंसान क्या लेके आता है, क्या लेके जाता है, खाली हाथ आता है, कुछ साथ नहीं लेके जाएगा, सब यहीं से लिया है यहीं छोड़ देगा, यही कहावत है। सच्ची तो हकीकत तो यही है, लेकिन दुनिया नहीं समझ पाती, ये मेरा ये मेरा ये मेरा करते करते चली जाती है, लेकिन हम सब पता है कि क्या होना है, साथ ही होना है, सब एक ही भगवान के साथ बंदी है, जैसा भगवान करेगा वैसे ही हमको चलना पड़ेगा। ये देखो मेरा सिंगल परोठा कितना अच्छा बना है,
है ना जरा सा भी, और मैंने जरा सा छोटे से आटे का खूब आलू डाल दिया इसमें, भर भर के मैंने डाल दिया। गैस को कर देते हैं फूल, और ये देखो मेरा पराठा सिंगल ही अच्छे लगते हैं वैसे, आलू के पराठे ना सिंगल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सिंगल आराम से बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ना आलू ऐसे पतले हो जाते हैं कि निकल निकल के गिरते हैं। ऐसे बनाया और ऐसे इसमें भर दिया। कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन जब निकलते हैं ना, जब पतले से आलू हो जाते हैं, कभी कभी आलू ऐसे खराब आ जाते हैं ना कि नहीं बन पाता सिंगल भी, ये भी बात है। सब बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी कभी नहीं बन पाता। कोई लेडीज नहीं ऐसा कि ऐसा सोचती कि हमसे ना बने, सब बनाने की कोशिश करती है लेडीजों का, बेचारी का काम यही है। ये देखो पराठा मेरा फूल के कितना अच्छा हो गया ना। अब लगा देते हैं घी, घी मैंने कटोरी में कर लिया था क्योंकि डिब्बा बड़ा है, और ये ना घी की जो रखी ये थोड़ी सी इतनी सी धक्का नट रहा था, तो मुझे बहम हो गया, बस मैंने इस्तेमाल नहीं किया घी को, मैंने कहा कभी छिपकली कभी आ जाए आई हो, बस मन का बहम है, वो तो है नहीं ऐसा, मुझे ये भी पता है, लेकिन क्या कभी हमें बहम हो जाता है। तो देखो कितना अच्छा फूला फूला बना मेरा पराठा, ठीक है। देखो चिमटा, मुझे चिमटा नहीं था, हाँ लो देखो, ये देखो कितना प्यारा बना है, पता है आलू है इसके अंदर, देखो बिल्कुल साफ है एकदम। गैस को मैंने सीम किया है, आलू बाहर नहीं आई, अब इसको पकने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और ये वाला पराठा भी मेरा हो गया बनके तैयार, मतलब सी क्या, मैं इसको घी लगा देती हूँ, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और बताइए पराठे कैसे बने मेरे हाथ के, तो कमेंट करके बताना कैसे बनाए बने मेरे पराठे। मैं कोई कमेंट नहीं करता, कोई नहीं बताता, कितना भी कह दो लेकिन कहने से क्या फायदा, जिसको अच्छे लगते हो तो भी कमेंट करते हो, जिसको नहीं लगते नहीं करते, कहेंगे भी देख लिया हमने लेकिन नहीं करते, कोई बात नहीं, वो अपनी सबकी अपनी मर्जी होती है, ज़बरदस्ती कोई किसी से कोई काम नहीं करवाएगा, उतना करवाना चाहिए, वो अपनी अपनी मर्जी होती है, ठीक है, हम क्यों किसी को परेशान दे। देखो कितना अच्छा बनाना, मैं दिखाती हूँ नज़दीक से दिखाती हूँ आपको, ये देखो ना कितना अच्छा बनाना, ये देखो कितना अच्छा, नज़दीक से दिखा देती हूँ आपको, ये देखो अच्छा बनाना, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए दही के साथ, मैं तो दही के साथ खाती हूँ क्योंकि मैं चाय नहीं पीती, चाय मैंने बिल्कुल बंद, और दही के साथ खाऊंगी, अचार भी मैं नहीं लेती, बस मैं यही खाती हूँ खाना, ठीक है। आपको पसंद आई होगी ये रेसिपी आलू के पराठे मतलब, तो एक लाइक कर देना पराठे के लिए, तो कर देना एक कमेंट भी कर देना पराठे के लिए, और मुझे बताना कि आपको मेरे पराठे कैसे लगे। बाय।
मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैंने ये वीडियो वहीं से शुरू कर दी थी, मैंने कहा चलो ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो। बाय, जय माता दी, ध्यान रखो अपना अपनी फैमिली का सब।